दोस्तों बात करिए आर्विन एल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आर्विन एल ने आज एक बड़ी रैली दिखाई। इस रैली के पीछे दोस्तों दो बड़ी वजह सामने आ रही है। देखो डे बाई डे यहाँ से आप देखेंगे मार्केट पिछले एक वीक से लगातार कंटिन्यू हमें गिरावट में जाता हुआ देखने को मिल रहा था। दोस्तों अमित शाह की तरफ से एक बयान आया, उसके बाद हमने देखा कि पूरा मार्केट हमें अपसाइड होता हुआ देखने को मिला, मतलब मार्केट का ट्रेंड ही बदल गया। दूसरी मेन अपडेट है दोस्तों यहाँ से स्टॉक के रिलेटेड की भाई कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। दक्षिण रेलवे से दोस्तों कंपनी को 239 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला, मतलब कंपनी को काम मिला है। तो इसके लिए भाई स्टॉक रिएक्ट करना ही था, मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी भरा। देखो आपको एक चीज तो पता है कि खासकर आर्मिनर को हम देखे ना तो ऑर्डर तो उसको आए दिन मिलते रहते, बट ये ऑर्डर पे अगर रिएक्ट करता तो अब तक ये 500 रुपए चला जाता, क्योंकि कंपनी के पास अगर करंटली हम देखें तो 70,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, मतलब काम पेंडिंग पड़ी हुई, इतना कंपनी को काम करना है। एंड लग रहा कि आने वाले जो 1 साल के बाद एक ऑर्डर बुक बढ़कर यहाँ पे 80-90 हज़ार करोड़ तक भी जा सकती है। तो भाई ये कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ लॉन्ग टर्म में शक करना ही नहीं है। अगर कंपनी का मार्जिन बढ़ता आने वाले टाइम में तो दोस्तों एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करेगी, कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ तक का प्रॉफिट कर देगा यहाँ से, ये 20% तक के भी कंपनी के प्रॉफिट अगर हो जाए तो। अभी के टाइम कंपनी का मार्जिन ओनली 4-7, 6-7% का रह रहा है, तो यहाँ पे ये चीज भी फ्यूचर में हो सकती है। मेन चीज अगर अभी के टाइम बताऊँ मैं यहाँ पे जो अमित शाह उनकी तरफ से क्या अपडेट दिखाई तो वो मैं बता दूं, तो उन्होंने दोस्तों मार्केट की गिरावट पर चुप्पी तोड़ते हुए यहाँ पे बोला है कि 4 जून से पहले आप खरीदारी कर सकते हो, ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है, 4 जून के बाद मार्केट आपको एक बड़ी रैली में जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड वही देख लो इस अपडेट पर पूरे मार्केट ने रिएक्ट किया, एंड 1 वीक की जो गिरावट थी वो खत्म होकर आज तेजी में तब्दील होते हुए देखने को मिली है। मैं चीज बता दूं वॉल्यूम दोस्तों टेक्निकली डाटा अपडेट हम देखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे ऑर्डर का अपडेट आया वो हम देखेंगे, उससे पहले हम डाटा देख लेते हैं। 2 करोड़ 7 लाख की बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे नजर आई, एंड इसमें अगर देखें अभी के टाइम तो एम अराउंड 89,000 के साथ हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। डिलीवरी स्टॉक की 17% की रही है जो की अच्छी डिलीवरी है। एंड जो मेन चीज है दोस्तों रिजल्ट वगैरह कंपनी का, तो देखिए रिजल्ट कंपनी का आने वाला है। रिजल्ट को लेकर मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तारीख को कंपनी अपना रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर करेगी, मतलब डिक्लेयर करेगी, तो वो है 17 मई, ठीक है ना। पहले ये 15 मई को आने वाला था जिसको कंपनी ने आगे बढ़ा दिया है, जो कि 17 मई कर दिया है। तो 17 मई को हमें रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट करती हुई देखने को मिलेगी। तो 17 मई भी हमारे लिए महत्वपूर्ण डे रहेगा, इसके बाद हमारे लिए 4 जून रहेगा। बट जहां तक मेरे को लग रहा है, देखिए इलेक्शन के पहले से, इलेक्शन का जो रिजल्ट है ना 4 जून को, उससे पहले ही पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है, एंड उस पे ही मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एंड जो आपकी ये रेलवे के स्टॉक है ना भाई, ये जस्ट अभी तेजी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपका जो आरवीन है ना, इस तेजी के अंदर दोस्तों 400-450 तक के भी आंकड़े इस रेलवे में ये दिखा सकता है। तो आरवीन में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, एंड शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, एंड आने वाले टाइम में फुल यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए मेन चीज अभी के टाइम बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है ये रेलवे का शेयर, खरीदने की मशीन लूट, कंपनी को मिला 239 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। अपडेट देख सकते हैं, जस्ट आज का अपडेट है ये। एंड यहाँ पे आप देखेंगे रेलवे से जुड़ी कंपनी आरवीएनएल, मतलब रेल विकास निगम के शेयरों में आज जबरदस्त रैली हमें देखने को मिल रही है। इस रैली के पीछे वजह है दोस्तों कंपनी को बड़ी वजह, दरअसल आरवीएनएल को दक्षिणी रेलवे से 239 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, इस पर स्टॉक में ये रैली दिखाई दे रही है। आरवीएनएल की एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि उसे दक्षिण रेलवे से स्लैम डिविजन के जोला अरडो पट्टई, जो यहाँ पे जो है ना दोस्तों जोला अरडो पट्टई है, इसके जंक्शन से यहाँ पे जो इरोड, मतलब इरोड जंक्शन तक एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल कंपनी को सिस्टम प्रदान करने का ऑर्डर मिला है। एंड 12 महीने में इसके भीतर इसको करना है, मतलब यहाँ पे ये काम 12 महीने में भीतर करना है। देखिए रेलवे इंफ्रा को अगर देखोगे ना, तो आपका जो आरवीएनएल ना टोटली रेलवे इंफ्रा में भी यहाँ पे देखो कंपनी करके आ रही है। रेलवे की जो प्रोजेक्ट ना, जैसा कि रेलवे की यहाँ पे लाइन बिछाना, चाहे यहाँ पे एक आपको जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे जो जंक्शन वगैरह बनाना, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे। कंपनी इस प्रकार से धीरे धीरे काम कर रही है, ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। तो आगे जाके अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो इंफ्रा के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसमें आरवीएनएल में एक बड़ा उछाल दिखेगा रेलवे इंफ्रा के अंदर। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी अभी करंट टाइम पे, एंड गलती नहीं करनी है। डाटा मैं आपको बता दूं, देखिए एंजल वन इक्विटीज के तरफ से आरवीएनएल के स्टॉक पर टारगेट भी दिया गया है, 290 से दोस्तों 300 रुपए के टारगेट करंटली दिए जा रहे हैं, संभावित है इसका ही अगला लेवल। एंड बता दें आरवीएनएल के शेयरों में पिछले 1 साल में 100% 125% भागा, इन 120 रुपए के बढ़कर वर्तमान प्राइस पर पहुंच चुका है। 5 साल में दोस्तों 1127 ऑलराउंड दोस्तों 1200% की तेजी इसमें आ चुकी है। 50% तक इस साल अभी और हमें
देखने को चढ़ाए हैं। इस साल 2024 से 50% भाग है। आने वाले इलेक्शन के बाद दोस्तों ऑलराउंड 60-70% का गेन ये फिर हमें करता हुआ देखने को मिल सकता है। मेन चीज टेक्निकली के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। रेलवे के सभी 6 राज दोस्तों हमें एक अच्छी रेलवे में देखने को मिले। आरवीएनएल आईएफएफ से सबको आप उठा के देख लो, यहाँ पे इरकोन को उठा के देख लो, इरकोन खुद यहाँ पे दोस्तों ऑलराउंड 7-8% तक की रेली में गया है। इंफ्रा जो आपका आईआरबी इंफ्रा है जो कि टोल वगैरह है, यहाँ पे आपके बड़े बड़े हाई वगैरह जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट करता है वो 3% भागा है। मेन चीज यहाँ पे दोस्तों आरवीएनएल की हम बात कर रहे हैं, आरवीएनएल का डाटा देखिए 5% की तेजी के साथ आज हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। एंड टेक्निकली अभी के टाइम देखोगे तो बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। त्रिफल का आरस सही है एंड इस लेवल पे डेफिनेटली खरीदारी हो सकती है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि चार्ट में कोई बड़ी गिरावट का संकेत नहीं है, एक नॉर्मली कंसोलिडेट चल रहा है जो कि जल्दी आपको ट्रेंड बदलता हुआ देखने को मिलेगा। एंड हो चुका है, ट्रेंड बदल चुका है। अभी के टाइम 273 के ऊपर 270 के आसपास हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला। ब्रेकआउट वही है, 270 के ऊपर गया और ऊपर से पॉजिटिव दिख रहा है। मेन जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों जिस हिसाब से स्टॉक ने अपना सपोर्ट क्रिएट किया अभी के टाइम, वो हमारा मेन सपोर्ट रहेगा 200 यहाँ पे 50 रुपए का, ठीक है ना। तो करंटली हम 250 रुपए के सपोर्ट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं, बने रह सकते हैं इलेक्शन तक। यहाँ पे चैनल इलेक्शन के बाद भी जो बजट आएगा उस तक यहाँ पे, क्योंकि वहां से फिर एक बड़ी रैली हमें उससे पहले ही बड़ी रैली स्टार्ट हो जाएगी एंड प्रॉफिट बुक करके वहां पे निकल